हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से यामी टामी विद पूजा में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन, फूल गोभी मंचूरियन। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिए फूल गोभी और उसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है ताकि जो हमारे मंचूरियन है वो एकदम बढ़िया दिखे और एक जैसे दिखे। तो इसीलिए सबसे पहले आप यहाँ पर फूल गोभी को इस तरीके से कट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया पानी और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और पानी एकदम गरम कर लेंगे फटाक से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा पानी है वो अच्छा खासा गरम हो गया है। तो पानी हम लोगों ने गरम इसीलिए किया है ताकि यहाँ पर जो हमारी गोभी है उसको हम लोग थोड़ा सा बॉइल कर लेंगे और इसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी इसके थ्रू निकल जाते हैं और गोभी जो है वो एकदम साफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसके अंदर गोभी को ऐड कर दिया है और हम लोग गोभी को पानी के अंदर केवल 2 मिनट के लिए रखेंगे। 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखेंगे फ्रेंड्स। तो 2 मिनट के लिए मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गोभी अच्छे से बॉईल हो रही है, तो बस पानी जब बहुत अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गोभी को इसी तरीके से 2 मिनट के करीबन पानी में रहने देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 मिनट के करीबन हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर गोभी को अलग कर देंगे इस पानी में से। तो बस मैं इसका पानी निकाल कर यहाँ पर मैं प्लेट में निकालती जाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग गोभी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम लोग फटाक से यहाँ पर बना लेंगे एक बैटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम लोग सबसे पहले ऐड कर देंगे यहाँ पर 4 चम्मच के करीबन मैदा। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीबन मैदा ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीबन कॉर्नफ्लावर और अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स रेड चिली पाउडर। अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इन सारी चीजों को हम लोग मिक्स कर देंगे, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी क्योंकि जो हमारी यहाँ पर स्लरी होने वाली है मैदे की, जिससे हम लोग कोटिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो ज्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करेंगे। फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख रहे हैं कितनी शानदार ऑरेंज कलर की बढ़िया सी स्लरी बनकर रेडी हो रही है। तो बस मैं इसको मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी ताकि उस पर कोट हो पाए। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि गोभी पर कोट हो पाए। बस उतनी कंसिस्टेंसी रखनी है जैसे आप पकोड़े बनाते हैं तो बेसन का गोल बनाते हैं, उसी तरीके का हमें यहाँ पर मंचूरियन के लिए भी गोल बनाकर रेडी करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट स्लरी बनकर के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारी जो गोभी थी वो ठंडी हो चुकी है, तो बस वो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सारी गोभी को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके सारी गोभी को ऐड कर देंगे इसके अंदर और अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी फ्रेंड्स। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके साथ। अभी ये बहुत ज्यादा गीली गीली है, इसका भी मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगी अभी। पहले हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इस पर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, चारों तरफ से हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर गोभी के ऊपर एकदम पतली सी लेयर क्रिएट हो चुकी है, कोट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा या कॉर्नफ्लावर, अगर आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर, ऊपर से कॉर्नफ्लावर को ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा और इसके ऊपर अच्छा सा मिक्स देंगे। ये बहुत ज्यादा गीली है तो थोड़ी सी ड्राई भी हो सके और उसके ऊपर एकदम अच्छी सी मोटी कोटिंग हो सके, इसीलिए इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम लोग इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हमने गोभी को रेस्ट पे रखा है, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर पैन रख देंगे, पैन में ऑयल रख देंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो मीडियम हॉट हो चुका है, तो अब हम लोग एकदम लो कर देंगे फ्लेम को और यहाँ पर हम लोग गोभी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक एक, जैसे यहाँ पर गोभी को अच्छा सा रेस्ट भी हो गया है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एक एक करके गोभी को यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं गोभी ले लूंगी और इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी फ्रेंड्स। और साइड में आप देख रहे हैं बबल जा रहे हैं, तो इतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए, ज्यादा गर्म ऑयल हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके और भी पीसेस ऑफ गोभी के यहाँ पर रखती जाऊंगी फ्राई होने के लिए।
अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इसको फ्राई होने देंगे अच्छे से, जब तक कि इसके ऊपर एकदम गोल्डन ब्राउन सी बढ़िया सी एकदम कोटिंग नहीं हो जाती या फ्राई नहीं हो जाती तब तक के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी गोभी है वो एकदम बढ़िया से फ्राई हो रही है। तो हम लोग इसको उलट पुलट कर करके दोनों साइड पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी गोभी है उसमें एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से मैंने यहाँ पर छन्नी ले ली है और बस इसको मैं निकाल दूंगी। इसमें बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन वाला कलर आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो हम लोग इसको निकाल देंगे इस तरीके से, ऑयल पूरा निकल जाएगा इसके थ्रू। और यहाँ पर जो हमारे मंचूरियन है फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपस में चिपक गए हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको अलग अलग भी कर देंगे। वैसे ये कितने ही शानदार गोल्डन कलर आ गया इसमें एकदम मार्केट स्टाइल। तो मैं बाकी के बैचेस को भी इसी तरीके से फटाक से फ्राई कर लेती हूँ। आप देख रहे हैं कितनी क्रंची और कितनी शानदार लग रही है। तो बस मैं बाकी के बैच को भी फटाक से फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरे गोभी मंचूरियन को अच्छे से फ्राई कर लिया है और आप देख रहे हैं कितने ही शानदार लग रहे हैं एकदम मार्केट स्टाइल। तो चलिए मैं इसको प्लेट में निकाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है, इसमें निकाल देती हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हमने जो फ्राई किया है फ्रेंड्स वो लो टू मीडियम फ्लेम पर किया है और तेज भी किया है इसको। बहुत ज्यादा लाइक लो फ्लेम पर हमें या ठंडे ऑयल पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो गोभी है वो ऑयल बहुत ज्यादा ले लेगी फ्रेंड्स और ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसे मीडियम पे फ्राई करना है ताकि जो गोभी है वो अंदर से पक भी जाए, और फिर तेज कर देना है फ्लेम को ताकि क्रिस्पी भी हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। और बस यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्लेट ले ली है फ्रेंड्स। बस इसमें मैं ये सारे मंचूरियन निकाल दूंगी। तो आवाज तो आपको सुनाई दे ही रही है फ्रेंड्स कि कितने ज्यादा क्रिस्पी हैं। तो चलिए मैं आपको अच्छे से तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये एकदम क्रिस्पी है, मैं आपको आवाज सुना देती हूँ फ्रेंड्स इसकी। आवाज तो आपको आ ही रही है और मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितना ही शानदार गोभी फ्राई हुई है और एकदम शानदार लग रही है। ऐसे लग रहा है कि बस इसके आगे की प्रोसेस करें ही ना, इसी में ही चाट मसाला ऐड करें और बस खा लें। पर हमें आगे इसको फ्राई कर इसकी सॉस प्रिपेयर करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाक से हम लोग इसकी सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। और अंदर से एकदम गोभी जो है वो हमारी पक चुकी है और एकदम शानदार लग रही है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला डालकर भी खा सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले ली है थोड़ी सी शिमला मिर्च चॉप की हुई, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ले लिया है प्याज चॉप किया हुआ, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ले ली है इसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली ली है इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया है, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कोरिएंडर लिया है धनिया जिसको ऊपर से हम लोग गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर बस यही सब्जियां हम लोग ले लेंगे सॉस बनाने के लिए। तो सॉस बनाने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले सॉस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें ऐड कर दिया 2 चम्मच के करीबन कॉर्नफ्लावर, और यहाँ पर अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी। तो यहाँ पर मैंने घर का जो नॉर्मल पानी होता है वो ऐड करेंगे और इसकी एकदम पतली सी स्लरी बना करके रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। ये प्रोसेस हमें पहले ही कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने फिर से एक बाउल ले लिया है, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीबन विनेगर। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच भर करके विनेगर ऐड कर दूंगी। हम लोग यहाँ पर 2 चम्मच के करीबन सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर। तो 2 चम्मच के यहाँ पर सोया सॉस ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस हम लोग पहले ही कर देंगे फ्रेंड्स ताकि बाद में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी मिक्स करके साइड पर रख देंगे फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पर 4 चम्मच के करीबन ले ली है टोमेटो सॉस जो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है, उसी पैन में यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है और थोड़ा ऑयल यहाँ पर रख दिया है। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर प्लेट में जो मैंने सारी सब्जियां ले ली थी इसको हम लोग धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, तो इसको मैं धीरे धीरे से ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे प्याज चॉप किया हुआ। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, ये हमें साथ में ही ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी मिर्ची ग्रीन चिली, और इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इनको हल्का हल्का सॉटे होने देंगे फ्रेंड्स। हल्का हल्का हम लोग इसको सॉटे कर लेंगे फटाक से। तो फ्रेंड्स हमें इसको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, हल्का हल्का बस सॉटे ही करना है। तो ये जो सब्जियां हैं वो अच्छे से सॉटे हो गई हैं फ्रेंड्स, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारी सॉस
तो चलिए यहाँ पर सॉसेस ऐड करते हैं फटाफट से। उसके पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़े से हरे धनिया ताकि बहुत अच्छा दिखेगा ये, और थोड़े से मैं छोड़ दूंगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो यहाँ पर हरे धनिया को भी ऐड कर देंगे, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे फ्रेंड्स सोया सॉस और विनेगर, जिसको हमने इस तरीके से ऑलरेडी बनाकर रख दिया था। तो इसको मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर, और अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे 4 चम्मच के करीबन टोमेटो सॉस फटाक से। तो ये मैं सारी टोमेटो सॉस यहाँ पर ऐड कर दूंगी और इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर कॉर्नफ्लोर वाला पानी जो हम लोगों ने यहाँ पर बना के रखा था फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर वाली जो स्लरी है इसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे फटाक से। और अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीबन पानी ले लिया है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और बस इसको 1 बॉईल आने तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी, ज्यादा ऐड मत करिएगा क्योंकि सोया सॉस में भी यहाँ पर सॉल्ट होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और ग्रीन चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या सॉसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पाउडर ऐड कर दे रही हूँ, ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने मंचूरियन में ऐड किया है, तो इसमें अच्छा सा बॉईल आ रहा है। तो बस हम लोग इसको थोड़ा और इसमें अच्छा बॉईल आने देंगे फ्रेंड्स। इसमें एकदम अच्छा सा बॉईल आ चुका है फ्रेंड्स, तो बस इसी स्टेज पर हम लोग यहाँ पर हमारी जो गोभी मंचूरियन है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गोभी मंचूरियन को ऐड कर देना है आराम आराम से। इसको मैं अच्छे से ऐड कर दूंगी और इसको पूरे मिक्सर के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी फ्रेंड्स। तो बस इसको मैं आराम आराम से इस तरीके से पूरे बैटर के साथ मिक्स कर दूंगी, और गैस की फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे, नहीं तो जो हमारे यहाँ पर गोभी है मंचूरियन वो नरम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम लोग इसको मिक्स करेंगे फटाक से और यहाँ पर गैस की फ्लेम को एकदम ऑफ कर देंगे। और आप देख रहे हैं कितना ही शानदार यहाँ पर हमारी जो मंचूरियन गोभी मंचूरियन है वो बनकर के रेडी हो गया है, और अच्छे से हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। वाओ, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितना ही शानदार लग रहा है ये मंचूरियन, गोभी मंचूरियन एकदम शानदार लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको प्लेट में सर्व कर देती हूँ फटाक से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गोभी मंचूरियन को प्लेट में निकाल दिया है, और आप देख रहे हैं कितना ही शानदार बन करके रेडी हो गया है। तो अगर आपको रेसिपीज मेरी इसी तरीके से पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज मेरे पेज को जाके जरूर फॉलो करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है।